सुनने में जरूर कड़वी लगेंगी ये बातें, लेकिन आपके जीवन को बना सकती हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य ने मानव कल्याण के लिए बेहद सरल और अच्छे सुझाव दिए हैं, जिन्हें हर कोई आसानी से पालन करके सुख समृद्धि के साथ सफलता पा सकता है। चाणक्य नीति ने अपनी नीतियों के द्वारा सैद्धांतिक पक्ष की बजाय व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। उन्होंने अपनी नीतियों में ऐसे नियमों के बारे में बताया है, जिनका पालन करके व्यक्ति खुद को मौत के मुंह में जाने से बचा सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी एक नीति में बताया है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो व्यक्ति के लिए अधिक कष्टकारी होती है। ये चीजें व्यक्ति को पृथ्वी पर ही नर्क का स्वाद चखा देती हैं। जानिए आचार्य चाणक्य से किन लोगों से थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक के माध्यम से कहा है कि व्यक्ति को दुष्ट स्वभाव वाली पत्नी, नीच स्वभाव के दोस्त, जवाब देने वाला नौकर और घर में रहने वाले सांप से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि यह लोग व्यक्ति को अधिक कष्ट देने से लेकर मौत की कगार में लाकर खड़ा कर देते हैं। जवाब देने वाली स्त्री। आचार्य चाणक्य का मानना है कि स्त्री का चरित्र ठीक होने के साथ साथ उसके स्वभाव को सही होना बेहद जरूरी है। अगर दुष्ट प्रवृत्ति की स्त्री घर आ जाए तो खुशहाल जीवन जीने वाले घर को तबाह कर सकती हैं। ऐसी स्त्री के घर में रहने से हर कोई परेशान रहता है, इसके साथ ही पति भी घुट घुट कर जीता है। ऐसी स्त्री को अपनी पत्नी से पहले 100 बार सोचना चाहिए। नीच स्वभाव का दोस्त। हर किसी व्यक्ति का एक ऐसा दोस्त होता है जिससे वह अपने सुख दुख का साथी मानता है, उससे अपने जीवन की छोटी से लेर बड़ी परेशानियों को शेयर करता है और उससे सलाह भी लेता है। लेकिन जो लोग कपटी मित्र रखते हैं, वह लोग आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। अपने फायदे के लिए आपकी गुप्त बातें भी दूसरों से शेयर कर सकते हैं। ऐसे विश्वासघाती मित्रों के होने पर काफी असहनीय दर्द होता है, इसलिए ऐसे दोस्तों से तुरंत ही दूरी बना लेना चाहिए। जवाब देने वाला नौकर। घर में कभी भी ऐसा नौकर नहीं रखना चाहिए जो हर एक बात में आपको जवाब दे देता है। घर में मौजूद नौकर आपके हर एक सीक्रेट को जानते हैं। ऐसे में जवाब देने वाले नौकर आपके लिए आने वाले समय में खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनसे आप ज्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। ऐसे में यह अपने मालिक को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। घर में सांप रहना। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस घर में सांप का वास होता है, यानी जिस घर में बार बार सांप निकलते हैं, तो वहां मृत्यु का भय हमेशा बना रहता है। इसलिए जिस घर में सांप का वास हो तो वहां कोई उपाय करके उन्हें हटा देना चाहिए या फिर उस घर को छोड़ देना चाहिए। अगर सांप जहरीला न भी हो तो भी उसे जहरीला होने का ढोंग करना चाहिए। यह मनुष्य का मन ही है जो उसके बंधन या स्वतंत्रता का कारण है। सच्चा पुत्र आज्ञाकारी होता है, सच्चा पिता प्रेम करने वाला होता है और सच्चा मित्र ईमानदार होता है। जब तक शत्रु की दुर्बलता का पता न चल जाए, तब तक उसे मित्रता की दृष्टि से रखना चाहिए। एक मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी होती हैं, जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। कौशल को छुपा हुआ खजाना कहा जाता है, क्योंकि वो परदेश में एक माँ की तरह बचत करते हैं। भगवान मूर्तियों में मौजूद नहीं है, आपकी भावनाएं ही आपका भगवान है। आत्मा तुम्हारा मंदिर है। आप जिस चीज के लायक हैं उससे कम पर कभी समझौता न करें। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज किसी को मत बताना, यह आपको नष्ट कर देगा। फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बच्चे को सावधानी से पालता है, क्योंकि उच्च मनोबल वाले शिक्षित व्यक्ति को ही समाज में सच्चा सम्मान मिलता है। कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती न करें जो हैसियत में आपसे ऊपर या नीचे हों। ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी। नदियों, शस्त्र धारण करने वाले पुरुषों, पंजों या सींग वाले जानवरों, स्त्रियों और राजपरिवार के सदस्यों पर भरोसा न करें। नदी के किनारे के पेड़, दूसरे आदमी के घर में एक महिला और बिना सलाहकार के राजा निस्संदेह तेजी से विनाश के लिए जाते हैं। जिस व्यक्ति का आचरण दुराचारी हो, जिसकी दृष्टि अशुद्ध हो और जो कुटिलता के लिए प्रसिद्ध हो, उससे जो मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है।
जो कुछ भी करने के बारे में आपने सोचा है उसे कभी प्रकट न करें, लेकिन बुद्धिमान परिषद द्वारा इसे गुप्त रखें और इसे क्रियान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहें। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता, दुर्भाग्य, अकाल या युद्ध के समय राजा के दरबार में या शमशान में हमारा साथ न छोड़े। ऐसे देश में निवास न करें जहां आपका सम्मान न हो, आप अपनी आजीविका नहीं कमा सकते, कोई मित्र नहीं है या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। मूर्ख को सलाह देना, दुराचारी स्त्री की देखभाल करना और सुस्त और दुखी व्यक्ति की संगति करना अविवेक है। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर दें, असफलता से डरो मत और उसका परित्याग मत करो। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। मूर्खता वास्तव में कष्टदायक होती है और यौवन भी कष्टदायक होता है, लेकिन इससे कहीं अधिक कष्टदायक होता है किसी दूसरे के घर में रहना। बुद्धिमान व्यक्ति को सारस की भांति अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए और अपने स्थान, समय और योग्यता को जानकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। पैसा आता है और चला जाता है, इसलिए युवा है। जीवन जाता है और आत्मा जाती है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। केवल एक चीज जो दृढ़ रहती है वह है आपका विश्वास। किसी व्यक्ति का भविष्य उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मत आंकिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वह काले कोयले को चमकदार हीरे में बदल सकता है। वाणी की पवित्रता, मन की, इंद्रियों की और एक दयालु हृदय की आवश्यकता उस व्यक्ति को होती है जो दिव्य मंच पर उठने की इच्छा रखता है। चाणक्य के कड़वे वचन, दूसरों की गलतियों से सीखें। आप उन सभी को स्वयं बनाने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रह सकते। एक अकेला चंद्रमा अंधेरे को दूर करता है जो कई तारे भी मिलकर नहीं कर सकते। व्यक्ति को अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों पर पहले शिकंजा कसा जाता है। यदि पैर में मणि और सिर पर दर्पण रखा जाए तो भी मणि अपना मूल्य नहीं खोती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में भूख 2 गुनी, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और वासना 8 गुना होती है। संचित धन खर्च करने से बचता है, जैसे कि आने वाला ताजा पानी रुके हुए पानी को बाहर निकालने से बचता है। यह विचार छोड़ दो कि आसक्ति और प्रेम एक ही चीज है, वे शत्रु हैं। यह आसक्ति है जो सभी प्रेम को नष्ट कर देती है। असत्यता, उतावलापन, कपट, मूर्खता, लोभ, अस्वच्छता और क्रूरता स्त्री के साथ स्वाभाविक दोष हैं। इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, अन्न, जल और प्रिय वचन। मूर्ख लोग चट्टानों के टुकड़ों को रत्न समझते हैं। धन, मित्र, पत्नी और राज्य तो वापस मिल सकता है, लेकिन ये शरीर खो जाने पर फिर कभी नहीं मिल सकता। बीमारी, दुर्भाग्य, अकाल और आक्रमण के समय जो कोई भी आपकी सहायता करता है वही वास्तविक अर्थों में आपका सच्चा भाई है। वे नीच लोग जो दूसरों के गुप्त दोषों की बात करते हैं, वे स्वयं को वैसे ही नष्ट कर देते हैं जैसे सांप चींटियों के टीलों पर भटक जाते हैं। पापपूर्वक अर्जित धन 10 वर्षों तक रह सकता है, 11वें वर्ष में यह मूल धन के साथ भी गायब हो जाता है। जिस प्रकार एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। अपना धन केवल योग्य को दें और दूसरों को कभी नहीं। मेघों को प्राप्त समुद्र का जल सदैव मीठा होता है। जय श्री कृष्णा मित्रों, थैंक्स फॉर वॉकिंग।